दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणपति का दिन होता है और बिना गणपति के कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है और यही वजह है कि हर हवन हर यज्ञ और कोई भी पूजा पाठ होने से पहले भगवान गणपति को याद किया जाता है क्योंकि गणपति जी को ही ये वरदान है कि बिना उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे खास उपाय और टोटके के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको करने से कार्य से हर प्रकार से बाधाएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं लेकिन जब भी कोई कार्य अटक जाता है रुक जाता है तो वो इसीलिए रुक जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ ही जाती है और जब बाधा आ जाती है तो वह कार्य होते होते भी समापन नहीं हो पाते हैं, यानी कि पूरे हो ही नहीं पाते हैं। और कार्य में बाधा आने की बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि नजर लग जाना, कोई टोक देता है, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जाएं, ये सभी इसी प्रकार की और भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो होते होते बिल्कुल हो ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, बहुत सारे सपने उन्होंने संजोए हुए होते हैं लेकिन होते होते भी नहीं हो पाता है। और कई बार इसी प्रकार नौकरी के साथ भी होता है कि सब कुछ उनका अच्छा हो जाता है, जैसे इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, एग्जाम अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। बनता बनता होता होता कार्य बिल्कुल रुक सा जाता है। जब भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कोई ना कोई कार्य में बाधा आ गई है, तो उस कार्य से बाधा हटाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और बिना भगवान गणपति के बाधा कोई भी कार्य से नहीं हटा सकता है, इसीलिए हर मंत्र साधना में भी, यहाँ तक कि तंत्र साधना में भी भगवान गणपति का ही नाम लेकर उनके कुछ खास प्रयोग कर कार्य से बाधा हटाई जाती है। इससे किस्मत को एकदम से ही बूस्ट मिलता है, यानी कि एकदम से ही प्रबल हो जाती है और जो भी कार्य में बाधाएं आ रही होती हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों इस विधि को आप ध्यान से सुनकर समझ लें कि किस प्रकार कार्य से बाधाएं हटाई जाती हैं। और ये बड़ा ही आसान सा प्रयोग है जिसे कोई भी करके लाभ उठा सकता है और ये बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको केवल इतना करना है कि जितनी भी आपकी उम्र है, जैसे 25 साल, 32 साल, 44 साल, इस प्रकार जितनी भी आपकी उम्र है उतनी ही सुपारी आपको ले लेनी है और हर एक सुपारी पर आपको कलावा थोड़ा सा रख देना है, थोड़े से चावल और सिंदूर से टीका भी आपको लगा देना है। इस प्रकार हर एक सुपारी पर इसी प्रकार करना है और सुपारी को अपने हाथ में पकड़ते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम श्रीम महालक्ष्मी गण गणपते नमः। यह गणपति लक्ष्मी मंत्र है जिसको करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन आगमन के स्रोत बढ़ जाते हैं और कोई भी कार्य में बाधाएं आ रही होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो जितनी भी सुपारी आपने अपनी उम्र के अनुसार ली हैं, उन पर एक बार इस मंत्र को पढ़ते हुए कलावा चावल और सिंदूर आपको चढ़ा देना है। इस प्रकार जब सभी सुपारी पर ऐसे हो जाता है तो उसके बाद ये सभी सामग्री ले जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप आपको करते जाना है। इस प्रकार जब आप सभी चीजों को चढ़ा लेंगे तो उसके बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह प्रयोग सुबह 12 बजे से पहले ही आपको कर लेना है और सभी चीजें करने के बाद आप जब शिव मंदिर से लौटेंगे तो नंदी के कान में अपने कार्य में, जिस भी कार्य में बाधा आ रही थी, वह नंदी के कान में बोल देना है। बस बुधवार को यह बड़ा ही आसान सा और सरल सा प्रयोग है जिसे कोई भी करके, एक दिन का ही यह प्रयोग है, सिर्फ एक दिन के प्रयोग से ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे जो भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही थी वह निश्चित ही समाप्त होती हैं। जिन लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है वो लोग भी इस प्रयोग को करके नौकरी प्राप्त के पूरे पूरे अवसर पा सकते हैं। यानी कि अगर आप दुर्भाग्य में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और सौभाग्य का आपको पता ही नहीं चल रहा है तो तुरंत सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह बड़ा ही आसान सा अचूक रामबाण उपाय है। शिवलिंग पर जैसे ही आप सुपारी को चढ़ाएंगे वैसे ही आपको मन में संकेत मिलने लग जाएंगे कि कार्य से बाधाएं हट चुकी हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिनके कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, जो अपने जीवन में दुर्भाग्य से परेशान हैं, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।